न्यूमेरिकल नंबर 6.3 सॉल्व करते हैं। ए कार वेटिंग 12 न्यूटन हैज स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें गिवन डाटा जो दिया गया है वो वेट दिया गया है, वेट W इक्वल टू 12 किलो न्यूटन है। तो सबसे पहले हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। किलो हमें पता है कि 1000 के इक्वल होता है, 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 12000 न्यूटन वेट आ गया कार का। तो स्पीड है कार की वी है 20 मीटर पर सेकंड। टू फाइंड हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन है हमारे पास, वी नो दैट वेट वेट W इज इक्वल टू 12000 न्यूटन। हम जानते हैं कि वेट किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल होता है, और ये है 12000 न्यूटन। और हमने फाइंड करना है मैस। सबसे पहले हम मैस फाइंड करेंगे। मैस मल्टीप्लाई जी की वैल्यू हम जानते हैं कि 10 है, और 10 मीटर पर सेकंड है, और ये न्यूटन है हमारे पास 12000 न्यूटन क्या है, केजी मीटर पर सेकंड ये न्यूटन की वैल्यू है। तो मैस हमने फाइंड कर ली, ये 12000 केजी मीटर पर सेकंड केजी मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड से कट गया, और ये हमारे पास कट गया। और इसकी वैल्यू जो है मैस इसकी हमारे पास आ गई 1200 केजी। तो अब हम फार्मूला जो है काइनेटिक एनर्जी का, वी नो दैट के ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज इक्वल टू 1/2 mv² के ई हमारे पास आ गया। 1/2 m की वैल्यू हमने पुट कर दी 1200 केजी, और वी है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड का स्केयर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1/2 और ये मल्टीप्लाई बाई 1200 केजी मल्टीप्लाई बाई ये इसका स्केयर लिया, तो ये 20 मल्टीप्लाई बाई 20 मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू जो है इसकी सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू जो है वो इसको हमने इस तरह सॉल्व किया, ये 600 केजी आ गया, और इसको 600 मल्टीप्लाई बाई 400 और मल्टीप्लाई बाई केजी, और ये इसको दो फैक्टर बना लिए, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई मीटर, ये दो कंपोनेंट इसके बन गए, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये 24 ये हमारे पास इतने, ये हमारे पास क्या आ गया, ये न्यूटन आ गया, और ये साथ आ गया मीटर।
और ये हमारे पास 2, 4 टेट्रा ज़ीरो, ये जूल आ गया न्यूटन मीटर, जूल के बराबर होता है। अब हम इसके को किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं, ये 240 मल्टीप्लाई बाई 1000 जूल, और 1000 हमें पता है कि ये इसका प्रीफिक्स किलो होता है, और ये हमने किलो लगा दिया साथ जूल। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार जो है वो 240 किलो जूल होगी।